अचानक क्या हो गया है? वे भयंकर अट्टहास करते हुए इधर की ओर आ रहे हैं। दुष्टा चतुरा दासी, तू भी अपनी चतुराई दिखाकर हमारे विरुद्ध षड्यंत्र में सम्मिलित है। नहीं महाराज, नहीं, मुझे क्षमा करिए, मैंने कुछ भी नहीं किया महाराज। जाओ, हमारे आंखों से ओझल हो जाओ। स्वामी, ये अचानक आपको क्या हो गया है? हमें तो वही हो गया है जो निषद राज्य के महाराज को होना चाहिए। नहीं स्वामी। आओ, राजसुख का भोग करते हैं। नहीं स्वामी, नहीं, मुझे छोड़ दीजिए, हम अपने आप को संभालिए स्वामी। ये उत्तेजना आपको शोभा नहीं देती। मैंने मन ही मन निश्चय किया है कि किसी भी सुख भोग की कामना से पहले हम रंजन गांव जाकर श्री महागणपति तीर्थ के दर्शन करेंगे और उनसे अपनी भूल की क्षमा याचना करेंगे। नहीं, नहीं, उस महागणपति का नाम भी ना लो हमारे सामने। उसी के कारण हमारा क्रोध भड़का है। अब तुम वही करोगी जो हम कहेंगे। नहीं, नहीं स्वामी, आपके उन्माद ने संयम, नियम, न्याय, मर्यादा सब तोड़ दिए हैं। किंतु मैं अपने निश्चय पर अटल हूँ और अटल ही रहूंगी। आपके अन्याय और उन्माद के सामने नहीं झुकूंगी। महाराज गिरिराज नल के आदेश को ठुकराने का परिणाम तुम्हें भुगतना ही होगा। अब तुम हमारे स्नेह के नहीं, दंड के पात्र बन गई हो। अपनी आंखों से तुम्हारे षड्यंत्र को देखकर भी हम तुम्हें क्षमा कर देना चाहते थे, पर अब क्षमा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अब मिलेगा तो केवल दंड, भयानक दंड। श्री महागणेश, हे विश्व को वरदान देने वाले श्री महागणपति, आपकी अवहेलना और उपेक्षा मुझसे देखी न गई। क्रोध के आवेश में आकर मैंने नल को कली पुरुष से शापित कर दिया। अब मुझे अपने क्रोध पर बहुत पश्चाताप हो रहा है महाप्रभु। आपके आदेश के बिना नल को दंडित करने के कारण मेरा मन मुझे धिक्कार रहा है। हे प्रभु, आपके दर्शनों की कामना रखने वाली दमयंती को जब मेरी आंखों के सामने नल ने अपमानित किया तो मुझसे सुना नहीं गया। यदि नल को दंडित करना मेरी भूल है तो मैं आपके रोष का पात्र हूं। हे श्री महागणपति, मेरा मार्गदर्शन करें, मेरा मार्गदर्शन करें, दया करें प्रभु, कृपा करें, मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें। ओम महागणपते नमः। हे देवर्षि, आपकी उपस्थिति शुभ और मंगल का प्रतीक मानी जाती है। आप तो दिव्य ज्ञानी हैं, आप जानते हैं पश्चाताप के ताप में मेरा हृदय जल रहा है। देव ऋषि, मुझे बताए, क्या नल को दंडित करना अनुचित था? मेरा मार्गदर्शन करें देव ऋषि, मेरा मार्गदर्शन करें। नारायण नारायण, परम महागणेश भक्त दयासुर,
तुम इस सत्य से भली भांति परिचित हो कि संसार में परम देव श्री महागणेश की इच्छा के विरुद्ध एक कण भी इधर से उधर नहीं हो सकता। तुमने जो कुछ भी किया है वो परमदेव श्री महागणेश की इच्छा से ही किया होगा। फिर भी यदि तुम्हारा मन तुम्हें धिक्कार रहा है, तुम्हारे किए कार्य को अनुचित बता रहा है, तो श्री महागणेश की आराधना करने के अतिरिक्त इस संसार में दूसरा कोई शांति का उपाय भी नहीं है। नारायण नारायण। भक्तराज, तुम यहीं बैठकर श्री महागणेश की आराधना करो। तुम्हारे मन का सच्चा स्वर श्री महागणपति की कृपा से उनके प्रतीक मंगल मूर्ति श्री गणेश तक अवश्य पहुंच जाएगा। तुम्हारा कल्याण हो। नारायण नारायण। आप धन्य है नारद मुनि, आपने मुझे श्री महागणपति की भक्ति का परामर्श देकर मुझ पर महान उपकार किया है। ओम महागणेशाय नमः, ओम परम देवाय नमः, ओम विश्ववरदाय। निषदराज के महाराज नल की, निषदराज के महाराज नल की, निषदराज के महाराज नल की, महाराजा धराज नल राज की जय, महाराजा धराज नल राज की जय, महाराजा धराज नल राज की जय, निषदराज के महाराज नल की जय, निषदराज के महाराज नल की जय। राजपुरुषों, महाराजा धीराज निषद नरेश नल की कीर्ति आज सारे संसार में फैल चुकी है। विदर्भ स्वयंवर में सफल होकर इनकी गणना आज पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ पुरुषों में की जा रही है। सच पूछा जाए तो आज महाराज नल की तुलना में स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र भी हीन दिखाई देते हैं। परंतु मुझे लगता है कि आपकी फीकी जय जयकार से इन्हें वो सम्मान नहीं मिल रहा जिसके ये अधिकारी हैं। इसलिए आप सब मेरे साथ महाराजा धीराज नलराज की जय जयकार करके अपने स्वर गगन की ऊंचाइयों तक पहुंचा दीजिए, जिससे इनकी श्रेष्ठता का संदेश देवराज इंद्र तक पहुंच जाए और उन्हें अपनी हीनता का ज्ञान हो जाए। पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ महाराजा धीराज नलराज की जय। आओ भैया पुष्पक, आओ, निषदराज सभा में तुम्हारा स्वागत है, आओ। आओ। नहीं महाराज, नहीं, आप जैसा असाधारण व्यक्ति मुझ जैसे साधारण व्यक्ति के स्वागत के लिए अपने सिंहासन से उठे, ये अनुचित है। मैं तो स्वयं ही आपके चरणों में वंदन करके अपने सौभाग्य में वृद्धि करना चाहता हूँ। उठो भैया पुष्पक, उठो। महाराज, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैंने उस कुल में जन्म लिया जिस कुल में आप जैसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष ने जन्म लिया है। महाराज, मैं आपका चचेरा भाई, आपके राज्य के अंतर्गत एक छोटे से राज्य का छोटा सा शासक, मैं आपका अभिनंदन करने आया हूं और चाहता हूं कि अपना सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित करके सदा सदा के लिए आपके चरणों का दास बन जाऊं। नहीं पुष्पक भैया, तुम मेरे चरण सेवक बनने के नहीं, साथ बैठने के अधिकारी हो। अपनी नम्रता और सच्ची बातों से तुमने हमारा हृदय जीत लिया है। देखते क्या हो राजपुरुषों, मेरे भाई के मेरे साथ जय जयकार करो, इनका भी राजसी स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करो। जो आज्ञा महाराज। महाराजा धीराज नल और महाराजा पुष्पक की जय। महाराजा धीराज नल एवं महाराजा पुष्पक की जय। हे विश्व को वरदान देने वाले मेरे आराध्य परम देव श्री महागणेश, ये मेरे साथ क्या हो गया प्रभु?
मेरे स्वामी ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। आपकी भक्ति और आराधना के नाम से ही वो चिढ़ने लगते हैं। प्रभु, देखते ही देखते मेरा सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल गया। हे मंगल मूर्ति, मेरी सहायता कीजिए, मुझे इस कष्ट से मुक्ति दीजिए प्रभु, मुक्ति दीजिए प्रभु, मुक्ति दीजिए। उठो दमयंती। मेरी सहायता कीजिए मंगल मूर्ति, मुझे इस कष्ट से मुक्ति दीजिए प्रभु। हम जानते हैं कि तुम जन जन मंत्रों से हमारी परम भक्त हो। पिछले जन्म के एक पाप के कारण तुम पर ये विपत्ति आ पड़ी है। इसका सामना तुम्हें धैर्य पूर्वक करना होगा, क्योंकि आत्मा के पाप और पुण्य का फल शरीर के बंधनों से नहीं बांधा जा सकता, परंतु तुम्हारी भक्ति और आस्था तुम्हें इस संकट से उभार लेगी। हे श्री गणेश, मेरे स्वामी के मन में आपकी भक्ति का उदय कब होगा? नल अपनी कुबुद्धि के कारण भयानक विपत्ति में फंसेगा। उसके साथ साथ तुम्हें भी अपने पतिव्रत धर्म और धैर्य की परीक्षा देनी होगी, क्योंकि विवाह के साथ ही पति और पत्नी का भाग्य अनायास ही जुड़ जाता है। हे श्री गणेश, क्या मेरे स्वामी? तुम्हारे स्वामी अपने चचेरे भाई पुष्पक के भयानक षड्यंत्र में फंस चुके हैं। पुष्पक नल को कुमार्ग पर ले जाकर इस निषाद राज्य से वंचित कर देगा। हे श्री गणेश, क्या मेरे स्वामी को बचाने का कोई उपाय नहीं है? यदि तुम्हारे स्वामी के भीतर सद्बुद्धि आए तो एक साधारण सा उपाय भी उसकी रक्षा कर सकता है। तुम उसे सावधान करो देवी दमयंती। यदि तुम सफल हुई तो तुम दोनों उस घोर विपत्ति से बच सकते हो। सावधान। मंगल मूर्ति का संकेत मिथ्या नहीं हो सकता, मुझे स्वामी को रोकना ही होगा। महाराजा धीराज नल, मैं शपथ लेकर कह सकता हूँ कि आपकी योग्यता के सामने एक दिन देवराज इंद्र भी आपके चरण सेवक बन जाएंगे। पुष्पक, उस दिन हम स्वर्ग के सिंहासन पर बैठेंगे। अप्सराओं का नृत्य देखेंगे हम, और तुम्हें हम पृथ्वी का सम्राट बना देंगे। पुष्पक, नहीं महाराज, नहीं, मैं तो आपका चरण सेवक हूँ महाराज, और सदा बना रहूंगा। महाराज, एक क्षण के लिए भी आप मुझे अपनी चरण सेवा से दूर ना कीजिएगा। महाराज, आपकी चरण सेवा के सामने पृथ्वी तो क्या, सारे संसार का साम्राज्य भी तुच्छ है। परंतु महाराज, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। तो पूछने की क्या आवश्यकता है पुष्पक? तो क्या कहना चाहते हो तुम? हम कहने से पहले ही तुम्हें वचन देते हैं कि तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। नहीं स्वामी, नहीं। आप इस दुष्ट के बहकावे में ना आए। आप इसकी चालों में फंसकर अपने दुर्भाग्य को निमंत्रण दे रहे हैं। आप इसे इसी समय यहाँ से निकल जाने का आदेश दीजिए। इसे नहीं, बाहर निकलने का आदेश तो हम तुम्हें देते हैं। केवल इस राजमहल से नहीं,
अपितु हमारे जीवन से भी दूर चले जाओ। नहीं महाराज। महाराज, महारानी जी के प्रति ऐसा अन्याय ना करें महाराज। पुष्पक, इस विषय में हम तुम्हारी कोई प्रार्थना सुनना नहीं चाहते। जी। महाराज, महाराज आप सच को पहचानिए। ये दुष्ट आपको छलने आया है महाराज। इसकी चाटुकारिता के पीछे भयानक षड्यंत्र है। दुष्टा, षड्यंत्रकारी तो तू है। तेरा विदर्भ देश, हम तेरी सच्चाई को पहचान चुके हैं। भला चाहती है तो चले जा यहां से। सेवकों, आज्ञा महाराज। आज्ञा महाराज। इस षड्यंत्रकारी स्त्री को हमारी आंखों के सामने से दूर कर दो। सावधान महाराज, इस दुष्ट के कारण आपको पश्चाताप के आंसू बहाने का एक अवसर भी नहीं मिलने वाला। सावधान, जाओ यहां से। आज्ञा दीजिए महाराज। तुम कहां जा रहे हो पुष्पक? महाराज, मेरा यहाँ आना महारानी दमयंती को अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैं अपने राज्य लौट जाने की आज्ञा चाहता हूँ। नहीं, नहीं, हम तुम्हें आज्ञा नहीं दे सकते। तुम्हें हमारे साथ यहीं रहना होगा पुष्पक। जिस षड्यंत्रकारी स्त्री की बात का बुरा मानकर तुम यहाँ से लौट जाना चाहते हो, वो हमारी पत्नी नहीं, अपमान और तिरस्कार की पात्र है। तुम हमसे कोई निवेदन करना चाहते थे पुष्पक? फिर कभी करेंगे महाराज। नहीं, तुम्हें अपना निवेदन अभी और इसी समय करना होगा। ये राजाज्ञा है पुष्पक, हम तुम्हें निवेदन स्वीकार करने का वचन पहले ही दे चुके हैं। महाराजा धीराज नल, इस संसार में आपकी योग्यता, वीरता और सुंदरता के साथ एक बात और प्रसिद्ध है। कौन सी बात पुष्पक? यही महाराज कि आपके समान इस सारे संसार में द्यूत कला का कोई खिलाड़ी नहीं है। और महाराज, मैं चाहता हूं कि आप अपनी इस सर्वश्रेष्ठ द्यूत कला से पृथ्वी के सारे राजाओं को हरा दें। तुम धन्य हो पुष्पक, तुम धन्य हो। द्यूत कला के प्रयोग का विचार ही नहीं आया मुझे। पर तुमने उचित समय पर उचित परामर्श दिया। शुभ कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए पुष्पक। बहुत दिनों से हमने बांसों का खेल नहीं खेला। अब सबसे पहले हम तुम्हारे साथ द्योत खेलेंगे। नहीं महाराज, नहीं, मैं आपके साथ द्यूत भला कैसे खेल सकता हूँ? मैं तो आपका सेवक हूँ, चरण सेवक। चरण सेवक नहीं, तुम हमारे मित्र, हमारे भाई। हम अभी महामंत्री को आज्ञा देते हैं कि कल प्रातःकाल द्यूत खेलने का प्रबंध करे। परंतु महाराज, यदि महारानी महारानी मत को षड्यंत्रकारी दुष्टा को इस समय हमारा मन द्यूत के पासों में रम चुका है।
हैं।